हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। सो आई होप आप्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूँ नॉर्वेगियन लीग का जो लिलेस्ट्रोम वर्सेस मोल्डे एफसी के बीच में जो मैच होने वाला है, काफ़ी अच्छा हो सकता है ग्रैंड लीग एंड स्मोली के लिए पर्टिकुलरली। सो काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एवरेज इन्वेस्टमेंट लाइक टाइप मैच है। एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिलने वाले, स्मॉल लीग के कुछ की प्लेयर्स एंड ग्रैंड लीग के लिए भी कौन से जो अच्छे पिक्स हो सकते हैं, सो वो सबको देखने को मिलेगा। सो आखिर तक वीडियो को देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। बाकी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि इस मैच के रिलेटेड जितनी भी लाइनअप्स एंड इंजरी रिलेटेड न्यूज़ आएगी सो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर ही। सो जाके वहाँ पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जाके लिंक से ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च करके, टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इस तरीके से कुछ सर्च करोगे @ टीम्स फॉर विन तो थर्ड नंबर पर आपको चैनल मिलेगा। सो यहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड यहीं पर आपके जितनी भी अपडेट्स हैं ऑल है सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो देख लेना जाके। अभी चलते अपने प्रीव्यू के ऊपर। सो ये रहेगा लिलेस्ट्रोम वर्सेस मोल्डे एफसी के बीच में नॉर्वेगियन लीग का एक राउंड टाइप मैच है, ओनली सेमीफाइनल वगैरह ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 9:30 रहेगी इस मैच का डेडलाइन, वेन्यू है एरेसन लिलेस्ट्रोम नॉर्वे। सो लिलेस्ट्रोम का होम ग्राउंड है, मोल्डे एफसी जो है अवे टीम है। हालांकि आज के जीतने के चांसेस किसके हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है टेबल स्टैंडिंग्स पर, तो जो लिलेस्ट्रोम है वो 8th पोजीशन पर है, 10 मैचेस अब तक खेल चुके हैं, 5 विन है, 2 ड्रॉ एंड 3 मैचेस वो हारे हैं। गोल्स अगर देखते हैं 10 मैचेस में है 14, एक ठीक ठाक एवरेज है गोल स्कोर करने का भी। बाकी गोल कंसीड इनके हैं 13। एंड उसके बाद में आते हैं मोल्डे एफसी, तो वो 1st पोजीशन पर है, टेबल टॉपर है अभी के लिए, एंड 13 मैचेस में 9 विन 2 ड्रॉ एंड अब तक सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं। बाकी 13 मैचेस में गोल्स है ऑलमोस्ट 33 गोल्स है एंड 12 गोल जो कंसीड किया। सो डेफिनेटली एक अटैक में एंड डिफेंस में भी दोनों पर्सपेक्टिव में जो है मोल्डे एफसी आगे निकल कर आती है। प्लेइंग 11 जो लिलेस्ट्रोम की तरफ से हो सकते हैं उसमें क्रिस्टियनसन आ सकते हैं, ड्रैगनेस है, ओगबुक, ग्रेनेस, स्मिट सेंग रहेंगे, क्रोकस्टैड रहेंगे, मैथ्यू रेंजर, एसन ओल्सन एंड मैथिसन जो इधर से प्रोबल लाइनअप जो लिलेस्ट्रोम की तरफ से रहने वाली है। टॉप स्कोर सब तक है, ओल्सन एक सिंगल हैंडली निकल कर आते हैं इधर से 9 गोल्स के साथ में। बाकी एसन एंड ओगबू, एसन के हैं 1 गोल 3 असिस्ट एंड ओगबू का है 1 गोल 1 असिस्ट इधर से। डिफेंस में अकेले इकलौते प्लेयर जिन्होंने गोल वगैरह किया है। सो एज सच इंजरी न्यूज़ लिलेस्ट्रोम की तरफ से अवेलेबल नहीं है। बाकी मोल्डे एफसी इधर से रहेंगे लिंडे है, नडजन है, बिजोन बाक रहेंगे, सीनियन होगन, ओर्सनस हुसैन, ग्रोडेम इक्रम, ब्रायन हिल्सन है एंड देन है ओमेज जुएनफो। सो ये इधर से मोल्डे एफसी की प्लेइंग 11 रहने वाली। बाकी इनके टॉप स्कोर्स में ओमेज जुएनफो जो है टॉप स्कोर निकल के आते हैं अभी तक तो लीग में, ऑलमोस्ट 50% जो गोल्स वगैरह आए हैं वो ओमेज जुएनफो की तरफ से आए, 15 गोल्स एंड 1 असिस्ट है। उसके बाद में होगन आते हैं 5 गोल्स के साथ में एंड देन आते हैं इधर से बिजोन बैक। सो डिफेंस के प्लेयर्स हैं नडजन, बिजोन बैक, सीनियन एंड होगन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन जो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी ओमेज जुएनफो जो सबसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं एंड थोड़े से जो अगर अटके जाना चाहो देन ब्रायन हिल्सन एंड आई थिंक इक्रेन काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। इंजरी न्यूज़ इनकी तरफ से भी एज सच कोई नहीं है अभी के लिए। सेट पीस टेकर्स ओल्सन पेनल्टीज एंड ओल्सन ही जो फ्री किक्स वगैरह लेते हैं एंड इधर से बात करूँ तो ओमेज जुएनफो जो वो पेनल्टीज़ वगैरह लेते हैं एंड इक्रम जो इधर से फ्री किक्स वगैरह। बाकी लिलेस्ट्रोम की जो रिसेंट फॉर्म है इधर से काफ़ी अच्छी चल रही है। बात करूँ मोल्डे एफसी के रिसेंट फॉर्म, तो उन्होंने पिछले 5 में से 4 विन किए हैं बट जो 3 मैच है ऑलमोस्ट वो है क्लीन शीट से एंड एक जो ये हारे थे वो थे साप्सबर्ग के अगेंस्ट में 1-0 से। सो इधर से मोल्डे एफसी की जो रिसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छी है एंड लिलेस्ट्रोम की जो रिसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है बट आज के जीतने के चांसेस है वो मोल्डे एफसी की तरफ ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग टीम एंड अटैक एंड डिफेंस जो है इधर से काफ़ी अच्छा जो मोल्डे एफसी का है। इधर से सिर्फ एक 1-man शो ही देखने को मिलता है लिलेस्ट्रोम की तरफ से ओल्सन, बट इधर से काफ़ी अच्छा जो है कॉम्बिनेशन डिफेंस में भी बिजोन बाक एंड होगन का रहता है एंड बाकी ओमेज जुएनफो जो है गोल्स वगैरह करते रहते हैं। रिसेंटली भी काफ़ी अच्छे इनकी तरफ से गोल्स आए बट ओवरऑल एटीट्यूड की बात करें 18 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में जिसमें 4 लिलेस्ट्रोम 4 रहे हैं ड्रो, बाकी 10 मैचेस जो है इधर से मोल्डे एफसी ने जीते हैं। सो ऑलमोस्ट 50% से भी ऊपर जो है मैचेस वो मोल्डे एफसी के विन के अंदर जो है कन्वर्ट हुए हैं। सो काफ़ी अच्छी जो ओवरऑल हेड टू हेड में भी मोल्डे एफसी काफ़ी अच्छा डोमिनेट करती है। होम ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल इक्वल सिनेरियो है, 10 मैचेस हुए हैं, 3 लिलेस्ट्रोम है, 3 ड्रॉ एंड 4 जीते हैं मोल्डे ने। बाकी रिसेंट हेड टू हेड मैचेस में पिछले 5 मैच 3 लगातार जो है मोल्डे जीती हुई आ रही है। बाकी जो रहे थे 2 मैचेस 2019-2018 में 2-2 से एंड 1-1 से 0 ड्रॉ देखने को मिला था बट अभी मोल्डे जो है डोमिनेट करती हुई काफ़ी अच्छे तरीके से दिखी है।
सो टॉप स्कोर्स एंड रिसेंट फॉर्म देख लिए, उसके बाद में की प्लेयर जो दोनों टीम्स की तरफ से हो सकता है, ले लिस्ट होम की तरफ से ओल्सन है, बाकी एसन है, ओगबू काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, बाकी इधर से मैथ्यू या क्रोक स्टैगन्स किसी के साथ जा सकते हो, या फिर गोल कीपर भी प्रेफरेंस दे सकते हो अगर आप क्रोक स्टैग या मैथ्यू पिक नहीं करते हो तो। उसके इसमें बाकी अमोल्डे की तरफ से जो प्लेयर्स निकल के आते हैं, ब्रायन हिल्सम है, इकरन रहेंगे, ओमोई जोनफो रहेंगे, एंड इधर से बात करें तो होगन, बिजोनबाक, ये कुछ जो 4 से 5 प्लेयर कॉमन निकल कर आते हैं जो मोल्डे की तरफ से आई थिंक इस मोल्डिंग में काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए इधर से एसएन है, ओगबू, दो प्लेयर्स इधर से है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, एंड इधर से जो है इक्रम को एक मैं बोलूंगा, एंड एक है ब्रायन हिल्सन जो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी अभी चलता है स्मॉली की टीम के ऊपर। सो ये रही अभी के लिए टीम, क्रिस्टियनसन है, उसके बाद में है बिजोनबाक, होगन एंड सीनियन, जो तीन मोल्डे के डिफेंडर्स हैं, तीनों को पिक किया, मे बी क्लीन शीट आ सकते हैं। सो इस वजह से तीन डिफेंडर्स, आप जाओ तो चार के साथ भी जा सकते हो। इधर से ब्रायन हिल्सन थोड़ा डिफरेंशियल पिक है, उनको ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा डिफेंडर नर्जो के साथ में, उसके बाद में रहेंगे ओगबू, एक मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एंड देन है मेरे पास मैथ्यू, एंड इधर से हैं ओल्सन। सो चाहो तो ओगबू को ड्रॉप करके मिडफील्ड सेक्शन में किसी के साथ जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं ओगबू को ही प्रेफरेंस दूंगा। मे बी फाइनल टीम में कुछ चेंजेस करूँ, एंड उसके बाद में और जो कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसमें मेरे पास, मैंने हुसैन को लिया है, थोड़ा प्रीमियम बताना भूल गया, सो उसके लिए बाकी हुसैन भी काफ़ी अच्छे जो है कंसिस्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, जैसा आप इधर से देख सकते हो, लाइक कंसिस्टेंटली 75, 73 एंड 78, एंड आज भी जो है उम्मीद कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, सो इसी वजह से काफ़ी अच्छे पॉइंट इनके रहते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन जो ऑप्शन है, ओमोई जोनफो काफ़ी अच्छे पिक हैं, वाइस कैप्टन के लिए इक्रम, आई थिंक की इक्रम, बिजोनबाक या होगन, चाहो तो लाइक आप चार तीन डिफेंडर्स एंड फिर इसी में वाइस कैप्टन करके थोड़ा सेफ पिक आराम से बन जाएगा। सो उस केस में भी ओमोई जोनफो एंड वाइस कैप्टन होगन या बिजोनबाक में से दोनों ही सेफ ऑप्शन है, या फिर चाहो तो ओमोई जोनफो एंड इक्रम के साथ में जा सकते हो एज अ वाइस कैप्टन। सो ये रहेगी अभी के लिए टीम। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक या सजेशन जो भी है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो देन चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया हुआ, तो बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो मिस ना करो, एंड आई होप आप इस मैच को काफ़ी अच्छा विन करो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।